हम हैं तो व्यवस्था है, हम हैं तो अमन शांति है, हमारे दम से ही तो हमारे शौर्य से हमारे शौर्य से अखंडता है। दामन पर दाग ना लगाया करो, वक्त आने पर दिखा देना दोनों जहां हमारे पीछे रहो। एक एक करके प्रत्येक टोली का निरीक्षण करते हुए सर्वत इज्जत और इकबाल इनका माना बना रहा। चौदहवा दस्ता वज्रवाहन मंच के साथी से गुजरता हुआ, उसके बाद श्वान दल मुख्य आरक्षी टॉम हेंडर संतोष चौधरी के नेतृत्व में, उनके बाद कुमार पांडे के नेतृत्व में इस ढोल को बजाता हुआ, इसके बाद फॉरेंसिक दस्ता वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रीमती मनीषा सिंह के नेतृत्व में, सिस्टम टोली महिला टोली महिला उप निरीक्षक सुनीता यादव के नेतृत्व में, टोली होमगार्ड टोली उप निरीक्षक रमाकांत पांडे जी के नेतृत्व में, अष्टम टोली महिला आरटीसी टोली मिलाकर चलने वाले सिविल डिफेंस की टोली सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जोरदार तालियों से इनके हौसला अफजाई करिए। ग्यारहवा दस्ता घुड़सवार टोली प्रेम शंकर मिश्रा के नेतृत्व में, बारहवा दस्ता धीरे धीरे मंच की ओर अपनी गति को थामे। जोरदार तालियां देखता रहे हैं मंच के लिए, और इनके बाद मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौधे जी के आदरणीय भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रयागराज इस पुलिस लाइन में जहां हमारे पुलिस के अधिकारियों में यहां के आईजी श्री केपी सिंह जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी और सभी पुलिस के हमारे प्रिय अधिकारीगण, गणतंत्र दिवस के इस पुलिस लाइन परेड समारोह में पधारे हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज नगर के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करने वाले समाज के सभी विशिष्टजन, और जिस परेड को अभी हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है,
उस परेड में अलग अलग प्रकार से अपनी सेवा प्रदान करने वाले हमारे वीर जवान, और इस परेड में हमने महिला सशक्तिकरण का भी स्वरूप देखा है, ऐसी हमारी सभी प्रिय बहनें, सभी पत्रकार मित्रों, 26 जनवरी का महत्व हम सबको ज्ञात है। आज जहां देश की तीनों सेनाओं के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली में परेड का आयोजन किया गया है, उसी प्रकार से देश के विभिन्न प्रदेशों में भी इस प्रकार की परेड संपन्न हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में आज का यह गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ है, और मुझे सौभाग्य मिला है तीर्थराज प्रयागराज में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने का। आज हम सबको जब हम देश की दृष्टि से सोचते हैं, प्रदेश की दृष्टि से सोचते हैं, तो गर्व होता है कि आज हमारा देश और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अभी हम सब लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो संकल्प दोहराया है, उस संकल्प में भारत के संविधान की मूल भावना समाहित है। आप सबको इस बात पर भी गर्व होगा कि जहां हम सीमाओं पर देश के बहादुर सेना के अगुवाई में कोई भी शत्रु देश अगर हमारी ओर आंख उठा करके देखने की कोशिश करता है, तो इस समय उसे हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन कायर नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज हमारे वीर बहादुर सैनिक गोली का जवाब गोला से देने का काम अगर सीमा पर दुश्मनों को कर रहे हैं, तो मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रयागराज की पुलिस सहित उत्तर प्रदेश की पुलिस बल निरंतर अपनी सेवा कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रदान करते हुए